हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। स्वास्थ्य संविदा कर्मी की हड़ताल से दो दिनों से बाधित है कोरोना की जांच। लोग वापस लौट रहे स्वास्थ्य केंद्र से। न्यायालय का आदेश, आवश्यक सेवा कोरोना काल में नहीं कर सकते बाधित। दो दिनों की बंदी और सख्ती के बाद सोमवार को बाजार से लेकर सड़क पर उमड़ी भीड़, उड़ी सोशल डिस्टेंस की धज्जियां। विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की ऑनलाइन समीक्षात्मक बैठक। मतदान केंद्र हेतु मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि के संबंध में दिया निर्देश। और कोरोना से लड़ना है लेकिन वैक्सीन आने तक इससे बचना भी है, सिंगापुर के डॉक्टर की जुबानी। कोरोना से कैसे बचें, कैसे जिएं, इसकी कहानी। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ रीड हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरिया सराय। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैट 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार आवास पढ़ा रहे युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल से कोरोना जांच प्रभावित रहा। दो दिनों से ये संविदा कर्मी जो स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर है। हालांकि कोरोना काल में आवश्यक सेवा में हड़ताल करना मना है, न्यायालय का यह आदेश। कोरोना जांच लगातार बढ़ता दायरा और लगातार संक्रमित बढ़ते लोग, आंकड़ा पहुंचा 2,000। लेकिन इसके पीछे बात यह है कि इसके पीछे लगातार कोरोना जांच का दायरा बढ़ा है। प्रतिदिन सैकड़ों टेस्ट हो रहे हैं और इसमें कोरोना संक्रमित भी मिल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में 2,000 आंकड़ा जाने के बाद दो दिनों से स्वास्थ्य संविदा कर्मी हड़ताल पर हैं और हड़ताल के कारण कोरोना जांच बाधित है। स्वास्थ्य केंद्र से लोग लौट रहे हैं, जो संदिग्ध है वे जांच कराना चाहते हैं लेकिन वे वापस हो रहे हैं, मजबूर हैं। कोरोना जांच कराएं तो कहां कराएं। हालांकि न्यायालय का आदेश है कि कोरोना काल में कोई भी आवश्यक सेवा को बाधित नहीं किया जा सकता, लेकिन संविदा कर्मियों का कहना है कि उनकी यह पहले से मांग है। पहले भी हड़ताल पर गए थे, एक माह पहले भी उन्हें आश्वासन दिया गया लेकिन उन्हें आश्वासन का झुंझुना ही दिखाया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में जो उनकी उचित मांग है स्वास्थ्य विभाग उसे जल्द माने, अन्यथा हड़ताल उनका जारी रहेगा। लेकिन दूसरी ओर न्यायालय का आदेश और उनके हड़ताल के बीच लगातार जो संदिग्ध हैं, जो कोरोना जांच करा रहे हैं, वे सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में देखना है कि दो दिनों के बाद कोरोना जो स्वास्थ्य कर्मी है वे कोरोना जांच में वापस आते हैं या फिर न्यायालय के आदेश के बावजूद भी उनकी हड़ताल लंबी खींचती है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों की संख्या देखकर लॉकडाउन लगाया गया और लॉकडाउन लगातार विस्तारित किया जा रहा है। 6 सितंबर तक लॉकडाउन प्रभावी है और सबसे ज्यादा प्रभावित शनिवार और रविवार को बंदी को लेकर है। दो दिनों तक तो यह प्रभावी रहा लेकिन सोमवार को जैसे ही यह शनिवार रविवार से अलग हटकर लीक पर आया, मानो सब कुछ सामान्य हो गया।
शनिवार और रविवार की बंदी, लेकिन इसके ठीक विपरीत उल्टा सोमवार को बाजार और सड़कों पर उमड़ी थी। शनिवार और रविवार को लॉकडाउन का विशेष प्रभाव रहा, क्योंकि सामान्य दुकानें बंद रही, कुछ आवश्यक सेवा ही चालू रही और पुलिस प्रशासन लगातार नियम समझाता रहा। लॉकडाउन का नजारा शनिवार रविवार को देखने को तो मिला, लेकिन जैसे ही सोमवार हुआ पूरा लॉकडाउन की धज्जियां उड़ती दिखी और सब कुछ सामान्य सा दिखने लगा। 5 दिनों की लगातार ये चहल पर और फिर बीच बीच में 2 दिनों का ब्रेक, मानो एक नया अनुभव। अब सवाल ये है कि जो कोरोना संक्रमित होंगे वो क्या इन 2 दिनों में ही बचकर कोरोना को रोकेंगे? ऐसी परिस्थिति में प्रशासन के साथ जनता को भी समझना होगा, कोरोना जो पटने का प्रकोप है, जो कारण है, उसे भी जहन में लाना होगा, उसे भी उस पर भी अमल करना होगा, समझना होगा। वाहनों की लंबी कतार और ये लंबी जाम और खुले बाजार, सोशल डिस्टेंस की उड़ती धज्जियां, ये कहानी है कोरोना काल के सोमवार की। लगातार ये लंबे वाहन जाम से फंसे हुए हैं, ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि बाजार में और सड़क पर कितने लोग हैं, कितनी भीड़ है। और ये 2 दिनों की जो हड़ताल है, जो ये तप है, ये व्रत है, उसे सब कुछ तोड़ता हुआ, उसकी धज्जियां उड़ाता हुआ ये काफिला, गाड़ियों का ये काफिला, जाम सड़क का ये काफिला। सिमटती सड़कें, घिसटते वाहन, सरकते वाहन और सरकते लोग, इस जाम में सोशल डिस्टेंस की उड़ रही धज्जियां, ये कोरोना काल में लॉकडाउन की कहानी, लॉकडाउन की ये तस्वीर, सजा बाजार और उमड़ते लोग। कोरोना वॉरियर्स और कोरोना की बात लगातार कर रहे हैं। कोरोना 2000 का आंकड़ा दरभंगा में पार कर चुका है, 24 मौत हो चुकी है, लेकिन ये अभी जाएगा नहीं, इसके साथ जीने की आदत हमें डालनी होगी। हमने पहले भी आपको प्रसारण में दिखाया था कि किस तरह कोरोना से लड़ना है, लेकिन हमें साथ साथ जीना भी है। सिंगापुर के डॉक्टर की बात जो आपके लिए जरूरी है, जो लगातार कोरोना से बचने के लिए प्रयासरत रहते हैं, कोरोना से बचाव के लिए हमेशा एक दूसरे को समझाते हैं और खुद भी समझते हैं। देखिए क्या कहते हैं। नमस्कार, मैं सिंगापुर से डॉक्टर आशुतोष बोल रहा हूँ। कोरोना अब हमारे साथ रहेगा, ये बात तो अपन सब लोग समझ गए हैं। अब कोरोना के साथ जिया कैसे जाए बिना डरे, उसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये वायरस जो है वो नाक और मुंह के द्वारा ही शरीर में प्रवेश लेता है, तो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। मास्क ऐसा खरीदिए जिसके ऊपर एक बेसिकली एल्यूमिनियम की छोटी सी पट्टी हो, क्योंकि हमारे नाक अलग अलग हैं, किसी का खड़ा नाक है, किसी का चपटा नाक है, तो ऊपर से भी हवा जा सकती है, इसलिए वो एल्यूमिनियम की पट्टी को हम दबा देते हैं नाक के ऊपर और वो मास्क बेसिकली नाक का शेप ले लेता है ताकि ऊपर से हवा नहीं जाती। डिस्पोजेबल मास्क यूज करना चाहिए ताकि शाम को उसे फेंक दिया जाए। तीसरे नंबर में सैनिटाइजर एक बोतल जेब में रखनी चाहिए ताकि जाने अनजाने में हम कभी भी गलत चीज को टच कर जाएं, तो हर 2 घंटे में अगर हम नियम पूर्वक अपने हाथों को एल्बो तक, क्योंकि हमारे हाथ खुले होते हैं तो हाथ और एल्बो तक अगर हम हाथ को सैनिटाइज करते हैं तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एक चीज और समझनी है कि जब सभी लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं तो अगर जाने अनजाने में, क्योंकि आप समझ लो कि बहुत ज्यादा कोरोना नहीं है, हमारी बस्ती इतनी बड़ी है कि ये आप किसी कोरोना वाले व्यक्ति से टकरा जाएंगे ऐसी संभावना बहुत कम रहने वाली है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। गलती से किसी के नज़दीक भी आ गए तो उससे डरना नहीं है, क्योंकि आप दोनों ने मास्क पहना हुआ है, तो दोनों ने मास्क पहना है तो रोग, अगर एक आदमी रोगी है तो रोग फैलने की संभावना फिर भी 20% जैसी ही रहती है। ठीक है, अब सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहन लिया और हाथ को सैनिटाइज कर लिया, तो आप अगर रेड जोन में भी हैं तो भी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है कि डर लोगों को ज़्यादा सता रहा है, रियल में रोग इतना सताता नहीं है। और न करे नारायण, अगर रोग लग भी गया तो ये समझो कि सिंगापुर में 15,000 इंडियन वर्कर को रोग लगा, एक भी सीरियस नहीं हुआ है, तो आप इसे जैसे
मलेरिया के सीजन में मलेरिया होता है, डेंगू के सीजन में कई लोगों को डेंगू भी हो जाता है, तो हम उसके अंदर लड़ाई लड़के बाहर निकल जाते हैं, ऐसे निकल जाएंगे। तो इस खौफ को सर में से निकाल देना है। लेकिन हाँ, क्योंकि ये कंटेजियस मतलब जल्दी फैलने वाला रोग है, इसलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को पहनने की आदत को रखना होगा। अब नेक्स्ट बात आती है कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए, वो भी सिंपल है। आप अपने परिवार में जो आपकी माँ या बेसिकली वाइफ हैं, उनको कहिए कि पूरे परिवार के लिए रात को सोने से पहले आधा लीटर दूध बना के और उसके अंदर एक डेढ़ चम्मच हल्दी डाल के उसको उबाल दें और सबको बेसिकली आधा आधा कप पीने को बोले सोने से पहले, ठीक है। उसके अलावा बेसिकली सुबह उठें तब एक जग नींबू पानी का, नवसे के पानी का बना दिया जाए, और जो घर की जो मेन लेडी हैं वो एक कंपलसरी रूप से देखें कि जो भी बेसिकली बिस्तर से या बेडरूम से बाहर आता है वो एक ग्लास पानी पी के आगे बढ़े। तो जब तक अपन इस चीज को मेंटेन करेंगे कि सुबह नींबू का पानी गर्म पानी के साथ और शाम को हल्दी वाला दूध, तो हमारी इम्यूनिटी सही रहेगी, ठीक है। अब आप देखो, एक्चुअली हर बड़े बदलाव के लिए एक हादसा जरूरी है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि इंडिया में लोगों ने कभी भी क्वालिटी लाइफस्टाइल की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो अब समय आ गया है कि कुदरत हमें फोर्स करेगी कि नीट एंड क्लीन रहो, कारण बिना लोगों को मिलो मत, कारण बिना ये पार्टियां ना करो, कारण बिना होटल का कचरा खाना ना खाओ, ठीक है। तो ये एक समय ऐसा आ रहा है कि कुदरत हमें सिखा रही है और इसे हमें हैप्पीली सीख लेना चाहिए। उसमें कोई भी तरह का ऑब्जेक्शन या कोई भी तरह का फ्रस्ट्रेशन फेस करने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि हर तरह का खाना पीना ना मिल पाए, कोई कहेगा सब्जी नहीं मिल रही, कोई बोलेगा कि मुझे सैलड नहीं मिल रहा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मूंग चने की दाल और रोटी या मूंग चने का दाल और चावल दो दफे खाते हो और सुबह एक हल्का सा दूध के साथ इवन ब्रेड का भी ब्रेकफास्ट करते हो, तो आपके शरीर को सब कुछ मिल जाएगा, आपको कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि ये समय कोई लाइफ टाइम रहने वाला नहीं है। अगर 3 महीने या 2 महीने दाल चावल या दाल रोटी खा के, स्पेशली मूंग चने की दाल जिसमें सारे पौष्टिक आहार आ जाते हैं, तो क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस तरह लाइफ को पॉजिटिवली मैनेज कीजिए और काम धंधे पे लग जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। सी कितने लोग एग्जांपल देते, अरे आपने देखी भीड़ कैसी लग गई थी, अरे भाई भीड़ लग गई थी तो वो भीड़ वालों को भी क्या है कि 15-20 दिन के अंदर धीमे धीमे वो भीड़ भी गायब हो जाएगी, क्योंकि कुछ लोग थप्पड़ से सीखेंगे, कुछ लोग बीमार होकर सीखेंगे। पर इस हादसे से गुजरना जरूरी है, क्योंकि अगर हादसा नहीं होगा, हादसे में से गुजरेंगे नहीं, तो हम जो कोरोना के बाद वाला जो नया जीवन है उस तक पहुंचेंगे नहीं। तो उस जीवन पे पहुंचने के लिए इस हादसे को पोस्टपोन नहीं करना है, इस हादसे से गुजरना जरूरी है। तो इस हादसे से गुजरेंगे और इसी तरह हम बेसिकली एक होके इन सारे नियमों का पालन करेंगे एंड वी कैन बी सेफ। सेफ्टी के बारे में कोई भी चिंता मत करो, कोई भी प्रकार की रूमर में बिलीव मत करो। वैज्ञानिक रूप से जो भी बताया गया है कोरोना के बारे में, उसका ख्याल रखो तो किस्सा खत्म हो गया। अब देखो, अभी भारत में डेंगू के सीजन में हम क्या करते हैं, चाइनीज रैकेट मच्छर मारने वाला, अलग अलग प्रकार के मॉस्किटो रेपेलेंट सब लेके ही बैठते हैं ना। जैसे ही मलेरिया का सीजन आता है तो मच्छर से बचने की कोशिश करते हैं, बरसात का सीजन आता है तो हम बाहर का खाना कम कर देते हैं ताकि बीमार ना पड़ जाए। बरसात के सीजन में आप देखो कोई पानी पूरी खाने जल्दी कोई जाएगा नहीं, पढ़ा लिखा इंसान। तो सिंपल लॉजिक है कि जिस समय पे जिस रोग का चलन है उसके अनुसार अपनी लाइफस्टाइल को बदल दिया जाए। इतना करेंगे तो कोई भी प्रकार का टेंशन या कोई भी प्रकार के रोग से डरने की जरूरत नहीं है। जय हिंद। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवासन ने सभी जिला पदाधिकारी के साथ ऑनलाइन बैठक की। मतदान केंद्र के लिए मास्क, सैनिटाइजर, पेपर ग्लव्स के संबंध में गाइडलाइन बनाने और सुझाव भी उन्होंने लिया। बिहार विधानसभा आम चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक की। सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि COVID-19 के संक्रमण से बचाव व सुरक्षा के मद्देनजर आगामी चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के आलोक में राज्य, जिला एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र तक के लिए SOP बनाना है। मतदान केंद्र के लिए मास्क, सैनिटाइजर, पेपर ग्लव्स के संबंध में गाइडलाइन बनाना होगा। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों का सैनिटाइजेशन का ग्राम पंचायत के माध्यम से कराया जाएगा। मतदाता मास्क पहनकर मतदान केंद्र पर आएंगे।
कोविड 19 को देखते हुए सामाजिक दूरी भी बनाना रखना जरूरी है। सभी जिला में मतगणना के लिए अतिरिक्त वज्रगृह की जरूरत पड़ेगी। यदि एक ही वज्रगृह में पर्याप्त स्थान है तो ठीक है, नहीं तो अतिरिक्त भवन की जरूरत पड़ेगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी को इसके लिए पर्याप्त स्थल वाला अतिरिक्त बड़ा भवन चिन्हित कर लेने के निर्देश दिए। निर्वाचन कार्य से सामाजिक दूरी बनाए रखने की जरूरत है, इसलिए प्रशासन को चुनाव कार्य और प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए बड़े बड़े मैदान की जरूरत पड़ेगी। इसलिए एक आदमी के लिए 3 फीट के रेडियस में स्थान की आवश्यकता के आधार पर प्रत्येक विधानसभा वार उपलब्ध मैदानों की क्षमता का आकलन करते हुए चिन्हित कर लिया जाए। उन्होंने बताया कि पूरे बिहार में 1,06,000 मतदान केंद्र है और इसके लिए 6,70,000 मतदान कर्मियों की आवश्यकता पड़ेगी। चूंकि इस बार मतदान केंद्रों की संख्या अधिक है, इसलिए मतदान केंद्रों पर महिला मतदान कर्मियों को भी नियुक्त करना पड़ेगा। महिलाओं को शहरी क्षेत्र और नगर परिषद क्षेत्र में नियुक्त किया जा सकता है। इसके लिए महिला कर्मियों के डाटा की प्रविष्टि करा लेने का निर्देश दिया गया। निर्वाचन आयोग द्वारा संविदा पर नियुक्त कर्मी को भी नियमित सरकारी कर्मी माना जा रहा है, इसलिए उन्हें भी चुनाव कार्य में लगाया जाएगा, लेकिन उन्हें माइक्रो ऑब्जर्वर, पीठासीन पदाधिकारी एवं दंडाधिकारी के पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सोमवार को दरभंगा पहुंचे। जिला के कमतौल थाना क्षेत्र निवासी 2.5 वर्ष की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म की घटना की पीड़िता के परिजन से मिले हुए जीतन राम मांझी और जाना कि बच्ची का हाल क्या कार्रवाई हुई। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी सोमवार को दरभंगा पहुंचे। जिला के कमतौल थाना क्षेत्र निवासी 2.5 वर्ष की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म घटना की पीड़िता से मिलने पहुंचे थे जीतन राम मांझी। अस्पताल जाकर जाना बच्ची का हाल और हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। चिकित्सा करते हैं, माइनर ऑपरेशन भी 2-3 हुआ है, इसी से समझा जा सकता है कि बच्ची के साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ है और इस चीज़ को लेकर के प्रशासन यहाँ का कैसा है कि जिसने कोई एक्शन नहीं लिया और जिसके चलते वो नंदिनी के पिता या नंदिनी के परिवार के अन्य लोग एग्रीव होकर के तांत्रिक तरीके से अपना फ्लैश रेज कर रहे थे, उसके अगेंस्ट में केस मुकदमा हुआ और उस परिवार को लोग मारा है, पीटा है, उनको प्रताड़ित किया है। ये घटना की हम निंदा करते हैं और कुछ लोगों से विशेष परिस्थिति को समझ करके इस मामला को हम होम सिक्योरिटी DGP जरूरत पड़ी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में हम देंगे कि एक बच्चे जो 2.5 वर्ष की है उसके साथ इस तरह का जघन्य अपराध किया गया है। अपराधी चाहे जो भी हो और उसको सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे आने वाला दिन में कोई इस प्रकार की बात नहीं करे। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। स्वास्थ्य संविदा कर्मी की हड़ताल से 2 दिनों से बाधित है कोरोना की जांच, लोग वापस लौट रहे स्वास्थ्य केंद्र से। न्यायालय का आदेश, आवश्यक सेवा कोरोना काल में नहीं कर सकते बाधित। 2 दिनों की बंदी और सख्ती के बाद सोमवार को बाजार से लेकर सड़क पर उमड़ी भीड़, उड़ी सोशल डिस्टेंस की धज्जियां। विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की ऑनलाइन समीक्षात्मक बैठक, मतदान केंद्र हेतु मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि के संबंध में दिया निर्देश। और कोरोना से लड़ना है लेकिन वैक्सीन आने तक इसे बचना भी है, सिंगापुर के डॉक्टर की जुबानी, कोरोना से कैसे बचें, कैसे जिएं, इसकी कहानी।
हनुमान नगर प्रखंड के सभी 14 पंचायतों के बाढ़ पीड़ितों को शीघ्र बाढ़ राहत राशि एवं बैंक खाता में स्थानांतरित करने सहित 11 सूत्रीय मांगों के समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल ने धरना दिया फूलो मैदान। हनुमान नगर प्रखंड के सभी 14 पंचायतों के बाढ़ पीड़ितों को शीघ्र बाढ़ राहत राशि उनके बैंक खाता में हस्तांतरित करने सहित 11 सूत्री मांगों के समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल ने धरना दिया पोलो मैदान के धरना स्थल पर। सूखा राहत सबको देना होगा, देना होगा, देना होगा। सूखा राहत सबको देना होगा, देना होगा, देना होगा। सभी परिवारों को मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। हनुमान नगर प्रखंड के बाढ़ पीड़ितों के परिप्रेक्ष्य में 11 सूत्री मांगों के समर्थन में हमारे इस कार्यक्रम में महागठबंधन के वाम मोर्चा, कांग्रेस, राकपा, वीआईपी, अन्य पार्टी का भी समर्थन प्राप्त है। सारे लोग यहां आए हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं। इस 11 सूत्री मांगों में प्रमुख रूप से हम मांग किए हैं राहत सूखा पैकेज का, लेकिन वो कल होकर के एनडीआरएफ के स्टीमर पर घूमते चले गए और बिचौलिया अपना घर में सूखा पैकेट रखे रह गया। इतना ही नहीं, पन्नी का भी उठाव उन्हीं तंत्र के द्वारा किया, किसके सारे पर ही काम करते हैं। धरना मूल रूप से जो हनुमान नगर प्रखंड प्रशासन है उसका रवैया बिल्कुल लोकतांत्रिक नहीं है, वो तानाशाही रवैया में है। और आपने देखा जब बाढ़ के समय में सिनवाड़ा पंचायत में सूखा राहत भी वितरण नहीं करवा पाया, एक जगह सूखा राहत रह गया, लोग भूखे मर रहे थे, लेकिन किसी खास व्यक्ति के दरवाजे पर राहत सामग्री रह गई। इसलिए इसके खिलाफ और उसकी निरंकुशता के खिलाफ हम लोग आज प्रशासन को चेताना चाहते हैं, जो आप पूरे प्रखंड में जो प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा जो जनप्रतिनिधि को अपमानित किया जाता है उसके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल और तमाम जो यहाँ हमारे वाम मोर्चा के साथी हैं हम सब लोग लामबंद होकर इसके जिला स्तर पर हम लोग आंदोलन करेंगे। और ये सरकार पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त कर रही है। दो वर्षीय बीएड परीक्षा प्रवेश परीक्षा संपन्न करने के लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को नोडल नामित किया गया है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण 29 मार्च को यह प्रस्तावित परीक्षा स्थगित कर दी गई। बिहार के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा दो वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा संपन्न कराने के लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को नोडल विश्वविद्यालय के रूप में नामित किया गया है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से स्वीकृत समय सारणी से आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण 29 मार्च को प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा परीक्षा के लिए जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत आवागमन, परीक्षा हॉल में बैठने की व्यवस्था, सामाजिक दूरी से संबंधित दिशा निर्देश है। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए सीईटी बीएड 2020 के प्रवेश परीक्षा 22 सितंबर 2020 निर्धारित की गई है। एसओपी के अंतर्गत भी राज्य सरकार की बृहत भूमिका है, खासकर आवागमन की व्यवस्था को लेकर। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह द्वारा प्रधान सचिव, कुलाधिपति सचिवालय बिहार, प्रधान सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार एवं निदेशक उच्च शिक्षा विभाग बिहार सरकार को सहयोग एवं आवश्यक कार्यार्थ है तो पत्र प्रेषित किया गया है। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण भी हो चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित सीईटी एंड बीएड 2020 के प्रोग्राम के अनुसार यह परीक्षा 29 मार्च को होने थी, परंतु कोरोना वायरस संक्रमण से उत्पन्न संकट एवं देशव्यापी लॉकडाउन के आलोक में इस परीक्षा की तिथि को स्थगित कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के अनुमोदन की प्रत्याशा में इस परीक्षा के आयोजन हेतु 19-7 की तिथि निर्धारित की गई थी, परंतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एवं राज्य सचिवालय पटना से निर्गत पत्र के आलोक में इसे पुनः स्थगित कर दिया गया। अब 22 सितंबर इसकी तिथि निर्धारित की गई है। महापौर बैजयंती देवी खेरिया ने कहा कि दरभंगा नगर निगम को स्वच्छता की दृष्टि से नीचा दिखाने का खेल खेला जा रहा है, यह गलत है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता की दृष्टि से बिहार के शहरों में
पिछले वर्ष 16वें स्थान पर था, जो इस वर्ष 8वें स्थान पर है। और अगर बिहार के नगर निगमों की बात करें तो दरभंगा से ऊपर सिर्फ 3 नगर निगम है। दरभंगा बिहार में 4थे स्थान पर है, जबकि पिछले वर्ष हम 6ठे स्थान पर थे। महापौर ने कहा कि जनता को गुमराह करने वाले जनप्रतिनिधि अखबारों में बयानबाजी कर रहे हैं कि दरभंगा स्वच्छता में 4 से 8 नंबर पर चला गया, जबकि सच्चाई ये है कि दरभंगा 16 से 8वें नंबर पर आया है। वैजयंती देवी खेड़िया ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि पिछले वर्ष की अपेक्षा दरभंगा में स्वच्छता में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में वर्ष 2020 में बिहार में दरभंगा को 8वां स्थान मिला, जबकि 2019 के सर्वे में 16वां स्थान था। महापौर ने बताया कि 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों के सर्वेक्षण में दरभंगा का स्थान 331 है, जो पिछले वर्ष 407 था। महापौर ने आगे कहा कि पिछले वर्ष दरभंगा का टोटल स्कोर 1146 था, जो इस वर्ष 36% अधिक बढ़कर 1557 पर पहुंच गया है। महापौर वैजयंती देवी खेड़िया ने कहा कि दरभंगा वासियों को इस बात की खुशी होनी चाहिए कि दरभंगा का स्कोर पटना से अधिक है। उन्होंने कहा कि पटना का स्कोर इस वर्ष 1552 है, जबकि दरभंगा का 1557 है, 5 अधिक। महापौर ने नगरवासियों से सर्वेक्षण रिपोर्ट भारत सरकार के शहरी आवास मंत्रालय के वेबसाइट पर देखने को कहा। उन्होंने कहा कि हमारे उप महापौर, सभी पार्षद, नगर आयुक्त एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी सीमित संसाधनों में जितना लगन और मेहनत से कार्य कर रहे हैं, वे बधाई के पात्र हैं, जबकि हमारे कई माननीय अपने स्वार्थवश मनोबल को तोड़ने में लगे हुए हैं। महापौर ने कहा कि मैं नगरवासियों को पूरा विश्वास दिलाती हूं कि अगले वर्ष दरभंगा बिहार के नगर निगमों में 1 नंबर पर रहेगा, शीर्ष पर रहेगा। अभिषेक उद्योग ने कपड़े धोने में आनंद लेने के लिए डिटर्जेंट उत्पादों की नई श्रृंखला का शुभारंभ किया। अभिषेक उद्योग ने कपड़े धोने में आनंद लेने के लिए डिटर्जेंट उत्पादों की एक नई श्रृंखला का शुभारंभ की घोषणा की है। मैं अभिषेक इंडस्ट्री से हूँ। अभिषेक इंडस्ट्री हमारा ब्रांड आ रहा है वेलो कैम, इसमें सर ये हमारा सुपर डिटर्जेंट लॉन्च किया है आज हमने। मुहर्रम में कोई जुलूस नहीं निकलेगा, कोई कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। सिया वक्फ बोर्ड एवं सुन्नी वक्फ बोर्ड के साथ राज्य स्तर पर समीक्षा बैठक के बाद सरकार के आदेश के आलोक में जिला प्रशासन ने अपने सभी थाना प्रभारी और अनुमंडल पदाधिकारी को सख्ती से इसे लागू करने का निर्देश दिया। साथ ही जिला मुहर्रम कमेटी के साथ बैठक की और कहा कि इसमें पूर्ण सहयोग करें इस आदेश को लागू करवाने। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज अनेसेम और CTSP योगेंद्र कुमार ने सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। मुहर्रम कमेटी के पदाधिकारियों को भी उन्होंने सहयोग के लिए कहा। सिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड एवं सरकार के राज्य स्तर पर लिए गए निर्णय के आलोक में कहीं भी मुहर्रम का अखाड़ा नहीं निकलेगा, लोग जमा नहीं होंगे। इस संदर्भ में आदेश को 100% लागू कराने में सहयोग की अपील उन्होंने मुहर्रम कमेटी से की, जिस पर मुहर्रम कमेटी ने आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि वह अन्य अखाड़ा को मीडिया के माध्यम से जल्द ही इस संदर्भ में राज्य सरकार के निर्णय और सिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड के निर्णय को प्रसारित कर देंगे और कोरोना काल में पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आम जो अन्य पर्व है, चाहे वह ईद, बकरीद, शबे बारात इत्यादि पर सहयोग रहा है, वह इस बार भी लगातार जारी रहेगा और इसमें 100% जिला मुहर्रम कमेटी का योगदान होगा। जिला पदाधिकारी ने कहा कि ये आपका जिला मुहर्रम कमेटी है, सिर्फ शहर नहीं गांव में भी इस जो संवाद है उसका विस्तार हो और वहाँ भी पूरा सहयोग मिले, प्रशासन को सहयोग की अपेक्षा है। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। स्वास्थ्य संविदा कर्मी की हड़ताल से 2 दिनों से बाधित है कोरोना की जांच, लोग वापस लौट रहे स्वास्थ्य केंद्र से। न्यायालय का आदेश, आवश्यक सेवा कोरोना काल में नहीं कर सकते बाधित। 2 दिनों की बंदी और सख्ती के बाद सोमवार को बाजार से लेकर सड़क पर उमड़ी भीड़, उड़ी सोशल डिस्टेंस की धज्जियां। विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की ऑनलाइन समीक्षात्मक बैठक, मतदान केंद्र हेतु मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि के संबंध में दिया निर्देश। और कोरोना से लड़ना है लेकिन वैक्सीन आने तक इसे बचना भी है, सिंगापुर के डॉक्टर की जुबानी। कोरोना से कैसे बचें, कैसे जिएं, इसकी कहानी।
इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना काल में आप मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए। नमस्कार, जय हिंद।